हेलो गाइस, स्वागत है आपका आकाश टू एम में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड अगर आपने गलत दे दिया था या किसी कारणवश चेंज हो गया है तो आप उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, किन बंदों को इस सुधारने का ऑप्शन है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपने आधार नंबर अपडेट नहीं किया है, अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप ऐड योर आधार नंबर कर सकते हैं, जिससे आपको पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इस वीडियो में बात करने वाले इन दो टॉपिकों के बारे में। वीडियो को एंड तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड को कैसे एडिट कर सकते हैं। आईएफएससी कोड आपका किसी कारणवश मर्ज हो गया किसी बैंक से, जैसे मान के चलिए एक बैंक का आईएफएससी कोड दूसरे बैंक में मर्ज हो गया, आपने गलत दे दिया आईएफएससी कोड, या आपका चेंज हो गया था आपको पता नहीं है, तो एनएसपी आपको एक मैसेज भेज रही है। आप मैसेज देख सकते हैं, इस प्रकार से एक मैसेज आएगा, एनएसपी आपको मैसेज भेज रही है कि आप 15 या 10 दिन के अंतर्गत आप अपना आईएफएससी कोड या अकाउंट नंबर चेंज करें, क्योंकि आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, आप फटाफट चेंज करें, उसको एडिट करें, ठीक है ना। तो एक आपको एडिट करने का ऑप्शन आपके फॉर्म में दिया जाएगा। अगर आपका भी ऐसे आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसे कमेंट कीजिए। ठीक है, मेन चीज ये है, इससे आप सुधार सकते हैं, ये एनएसपी आपको देगी। ठीक है, एनएसपी को जब भी लगेगा आपका आईएफएससी कोड पेमेंट नहीं आएगा तो आपको रिडायरेक्ट कर देगी, आपको मैसेज भेज देगी कि आप अपना आईएफएससी कोड एडिट करें, अकाउंट नंबर एडिट करें। ठीक है ना। और सेकंड बात बात करते हैं, ऐड योर आधार नंबर। अपना आधार नंबर ऐड कर लीजिए प्लीज, क्योंकि बाद में पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आ सके। अगर आपके पास ऐड योर आधार नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके अपने फॉर्म में जाइए, वहां पे ऐड योर आधार नंबर का ऑप्शन आएगा और ऐड कर लीजिए आधार नंबर जिससे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आधार को एक बार कंफर्म करके ऐड कर लीजिए, बस सक्सेसफुली आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी जो पेमेंट जा रहा है वो आधार बेस्ड पेमेंट आ रहा है। अगर आपका जो बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक नहीं है, जल्दी से करवा लीजिए, बैंक जाके करवा लीजिए या मित्र से करवा लीजिए, लेकिन करवा लीजिए कंप्लीट तरीके से, जिससे आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही अपडेट था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।